2019 में नरेंद्र मोदी वैकेंसी निकालता, रेल मंत्री नौकरी निकालता है और गरीब पूर्वन के हम लोग लोग हैं, बच्चा है और हम लोग से उस समय ये नहीं कहा जाता है कि सीबीटी लगेगा या ये लगेगा या डबल एग्जाम होगा या ट्रिपल एग्जाम होगा। अगर पहले ही ये बोल देता तो उस समय हम लोग डबल तैयारी बढ़िया से अच्छा से कर करके रखते, पर ये हम लोग के साथ ऐसा नहीं किया जाता है। ये जब एग्जाम आता है तो 4 साल 5 साल के बाद एग्जाम लिया जाता है। 19 में वैकेंसी निकाला था, 24 में अप्लाई कर रहा है। बताइए कि 4 साल में लड़का क्या करेगा सर? अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो क्या? अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो रेल मंत्री जितना भी पटरी जितना भी हम है बाबू, प्रेस रिपोर्टर साहब पीछे आइए। है बाबू मोबाइल नीचे से करो। सीबीटी 2 हटाया जाए ग्रुप डी से, यही हम लोग का मुद्दा है। और एनटीपीसी में कम से कम 20 गुना रिजल्ट आए, यही हम लोग का मांग है। क्या नाम आप? जितेंद्र कुमार सिंह। अच्छा आप लोग यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले का व्यवस्था किया गया था जैसे रेलवे ग्रुप डी का कि एक ही एग्जाम होगा एक फिजिकल होगा, उसी चीज को सरकार उसी चीज को अप्लाई करेंगे फिर से, एक महीना पहले ये नियम ना बदले और जो उसमें भी सुना रिजल्ट कहा गया तो वो रिजल्ट दे। तब तक नहीं, जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। नुकसान होगा इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ बच्चों को, जो भी लोग तैयारी करते हैं अभी आके मेन मोड पर बहुत दिक्कत हुआ हम लोगों को तैयारी करने के लिए, तो बहुत दिक्कत है। एक मिनट सर, ये सारा चीजें है तो जब तक ये नहीं करेगा तब तक आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। हमारा नाम अरुण सर हुआ। मोहल अच्छा रेल रुके हुए हैं, क्या मामला है? रेल रोकने का हम लोग का एक ही उद्देश्य है, एनटीपीसी के परीक्षा में जिस प्रकार से रिजल्ट 20 गुना कहकर 10 गुना दिया गया है, और सबसे भारी हम लोग का ये दुख की बात है कि 2019 में आज से 4 वर्ष पहले रेलवे वैकेंसी ग्रुप डी के लिए आया हुआ था जिसमें विज्ञापन में एक परीक्षा और एक फिजिकल के बाद कही गई है, और डायरेक्ट रेल मंत्रालय के द्वारा एक नोटिस जारी होता है 20 दिन पहले परीक्षा से कि अब 2 परीक्षा CBT 1 CBT 2 करके लिया जाएगा और एक फिजिकल जो रहेगा। इसके विरोध में कि अचानक 20 दिन इतने बड़े पैमाने पर आप विज्ञापन में छेड़छाड़ कर रहे हैं और 20 दिन पहले किसी पेपर को लेने का आदेश करें, इसी के विरोध में हम सब बक्सर के सारे जो नौजवान साथी हैं इस रेल अभियान रोकने का काम किए हुए हैं। अच्छा किसी संगठन से हैं आप लोग? हम लोग सिर्फ तैयारी करने वाले हैं, सभी छात्र हैं, यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं है, सब लड़का कष्ट से मर रहे हैं, सब स्टूडेंट हैं, बस नौकरी पाने के लिए उद्देश्य ही ये सब लगा हुआ है। इसमें किसी अगर मोटा मोटी कहा जाए तो क्या मांग है मुख्य आपकी? मुख्य मांग हम लोग का है कि हम लोग का एनटीपीसी का 20 गुना रिजल्ट दिया जाए, और सबसे बड़ा दूसरा है कि जो सीबीटी 2 के लिए बात कर रहे हैं ग्रुप डी पेपर के हटाया जाए। अभी आपको स्टेशन मास्टर का फोन आया था, उनके द्वारा हमें धमकाया गया, 2 मिनट पहले नंबर आप ले सकते हैं, अभी फोन किया गया कि आपका वीडियो राजेंद्र बोल रहे हैं आपका हाईलाइटेड हो गया है, आप पर केस भी दर्ज हो सकता है COVID-19 धारा के तहत में, इसलिए जितने बच्चे हैं उसको आप मतलब निरस्त कर दीजिए। हम बोले कि आप एक FIR कीजिए चाहे जेल कर दीजिए, हम लोग अपने दुख को अपने दर्द को बाया करने के लिए हम लोग विरोध करेंगे। हमारा विरोध शांतिपूर्वक हो रहा है, न किसी तोड़फोड़ का काम करने वाले हैं। ये बक्सर के धरती और बक्सर के सारे स्टूडेंट जो होते हैं बहुत समझदारी से काम लेते हैं, और आप सबसे निवेदन है कि आप लोग
इसको चैनल वाले जो है आप पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में सारे चैनल टीवी डिबेट होता रहता है, ये नौजवान के भी चर्चा आप लोग करते रहिए। मैं आप सबसे यही, कब तक जारी रहेगा प्रदर्शन हम लोग का? जब तक रेलवे मंत्रालय, रेल मंत्रालय अगर चाहेगा तो एक मिनट में ये सारा आपका आंदोलन खत्म करा सकता है, लेकिन रेल मंत्रालय ऐसा नहीं चाह रहा है। और रेल मंत्रालय से बड़े निवेदन से हम लोग बहुत दुख से ये निवेदन कह रहे हैं कि आप जल्दी शीघ्र सीबीटी परीक्षा आप हटाएं ग्रुप डी का। राजेंद्र।